हमारी लास्ट टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होता है कि कोई भी काम हो रहा होता है, लाइक डैट। हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एफर्मेटिव में इसके क्या रूल्स होते हैं? हाँ वाचक में सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाया जाता है, विल लगाया जाता है, फिर बाद में शैल लगाया जाता है, विल और शैल लगाया जाता है। आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्यूचर में शैल कहाँ लगाया जाता है और विल कहाँ लगाया जाता है। इसके लिए पहली मेरी जो वीडियोस हैं उसे देखें। फिर इसमें क्या लगाया जाता है? बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। सिंस लगाया जाता है फिक्स टाइम के लिए, सिंस लगाया जाता है फिक्स्ड टाइम के लिए, और फोर लगाया जाता है नॉट फिक्स्ड टाइम के लिए, नॉट फिक्स्ड टाइम के लिए। फिर बाद में क्या लगाया जाता है? देखो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 मंथ्स। आई सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वेजिटेबल ऑब्जेक्ट, फॉर 3 मंथ्स नॉट गिवन टाइम, मीनिंग 3 मंथ से मैं 3 मंथ से वेजिटेबल खा रहा हूँ, मीनिंग सब्जी खा रही हूँ जा रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, हूँ नहीं खा रहा होगा, मैं 3 मंथ से वेजिटेबल्स खा रहा होगा, मीनिंग जे पास्ट में कार्य शुरू होके फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक है। फोर लगाते हैं निश्चित टाइम के लिए, नॉट फिक्स टाइम के लिए, शैल लगाते हैं फिक्स टाइम के लिए। जैसे आई विल हैव बीन, आई हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई एन जी है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं वेजिटेबल्स, सिंस फिक्स टाइम के लिए 2 मई 2019, मीनिंग कब तक मैं वेजिटेबल्स खा रहा होगा, कब तक? 2 मई 2019 तक, क्लियर है। ये तो हुआ हमारा एफर्मेटिव हाँ वाचक। अब देखते हैं नेगेटिव रूल्स ना वाचक के। नेगेटिव में सबसे पहले क्या लगाया जाता है? सब्जेक्ट, बाद में विल शैल, प्लस नॉट, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। मीनिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, विल और शैल लगाते हैं, फिर बाद में नॉट लगाते हैं, फिर बाद में हैव बीन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाया जाता है, बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, टाइम। फिक्स टाइम भी हो सकता है, नॉट फिक्स टाइम भी हो सकता है, जो आपको रूल के अकॉर्डिंग ही याद करना है, इसके रूल के अकॉर्डिंग ही आप एग्जांपल बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। एग्जांपल्स देखते हैं। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 20 दिसंबर 2020, वे 20 दिसंबर 2020 तक क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। क्या होगा? ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट, विल नॉट हैव नेगेटिव फॉर्म, बीन प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, क्रिकेट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, सिंस क्या है? फिक्स टाइम, कब तक? 20 दिसंबर 2020 तक। वन मोर एग्जांपल्स। I will not have been teaching in the school since 20 December 2020. मैं स्कूल में 20 दिसंबर 2020 तक टीच नहीं करा रही होंगी।
आई हमारा सब्जेक्ट है, विल नोट है, बीन क्या है हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव फॉर्म टीचिंग क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, इन दिस स्कूल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, 20 सिंस 20 दिसंबर 2020, ये क्या है हमारा फिक्स टाइम, सिंस इसलिए लगाया गया है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में सबसे पहले क्या लगाया जाता है, विल शैल, बाद में हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर है बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट, फिर बाद में क्या लगाएंगे सिंस, फॉर प्लस टाइम, सिंस लगाते हैं फिक्स टाइम के लिए, फॉर लगाते हैं नॉट फिक्स टाइम के लिए, ठीक है। एग्जांपल्स, विल यू हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स फॉर 3 डेज, क्या आप 3 दिनों के तक फ्रूट खा रहे होंगे। विल हमारा क्या है इंटेरोगेटिव साइन हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फ्रूट्स क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, फॉर 3 डेज, जे क्या है हमारा गिवन टाइम, नॉट गिवन टाइम मीनिंग इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होगा कि कब तक खा रहा होगा, इसलिए हमने क्या लगाया फोर। लास्ट देखो फिक्स टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, विल यू हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा सिंस 20 नवंबर 2020, क्या तुम पिज़्ज़ा 20 नवंबर 2020 तक खा रहे होंगे। इसमें हम क्या लगाएंगे सिंस, क्या लगाएंगे सिंस, क्लियर।